अगर बद्री शाह और आत्माचरण के पास किसी तरह कोई एविडेंस है, अगर हम धमकी दिए तो, अगर फोन से दिए तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, चाक के दिए तो अगर होगा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, कोई साक्ष होगा वो प्रस्तुत करें। आत्माचरण तो एक पागल आदमी है, वो अपना परिवार नहीं संभाल सकता है तो वो समाज को क्या संभालेंगे। तो बद्री शाह किसी के बहकावे में आकर के राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं और बद्री शाह को मोहरा बनाकर हमारे विरोधियों के लिए चाल है। वार्ड संख्या 22 बी की पार्षद सुचित्रा सिंह के पति व पूर्व मुखिया नीलेश यादव ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रष्टाचार और जान से मारने की धमकी देने की खबरों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को विरोधियों की साजिश करार दिया है। नीलेश यादव ने कहा कि अगर आरोप लगाने वालों के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वह पेश करें। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाने वालों समेत इस खबर का प्रसारण करने वाले सोशल मीडिया चैनल और उसके रिपोर्टर के खिलाफ कोर्ट में जाने की भी बात कही है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो ये आरोप हम पर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। जो सामुदायिक भवन नहीं है वो पंचायत भवन है, वो हमको जब हम मुखिया थे तब हमको ब्लॉक के द्वारा मिला था और इसमें गरीब लोगों को साफ सफाई के नाम पर किसी तरह का कार्यक्रम करने के लिए हम लोग मुहैया कराते हैं। कोई एविडेंस, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, अनर्गल बयान बाजी लोग कर रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं। बद्री शाह और एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाया है। एक मीडिया कर्मी को उन्होंने बताया है कि आपने उनको धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और आपने अपने आदमी को भेजा उनके घर पे। ये बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। हम तो कह तो रहे हैं कि बद्री शाह किसी के बहकावे में आकर के राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं और बद्री शाह को मोहरा बनाकर हमारे विरोधियों के लिए चाल है और ये धमकी का प्रकरण जो है बिल्कुल ही गलत है। ना हम उनको उनके पास गए, किसी तरह का उनके पास प्रूफ है तो पेश करें। देखिए, 3-4-5 दिन पहले जो है हमारे यहाँ उस जो आत्माचरण जो है वो एक लिख करके दिए थे कि उसमें अनियमितता बरती जा रही है, उसकी जाँच में जो है DCLR साहब, कर्मचारी साहब और उनके सरकारी स्टाफ और अन्य अगल बगल के करीब 50-100 लोग इकट्ठा हुए। हमको भी बुलाया गया, हम वहाँ गए, वहाँ जांच हुई। जांच के क्रम में एक भी वहाँ पब्लिक ने ये आरोप हम पर नहीं लगाया कि हमने किसी से पैसा लिया है। इसका पूरा सरकारी वीडियो बना है, सरकारी वीडियो इसका प्रमाण है, मेरे मुँह से बोलने से नहीं। अगर आप बोलिएगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग में मुहैया करा दूंगा, जिसमें खुद ग्रामीण ने ये बात को कहा है कि ना ही नीलेश मुखिया के द्वारा हमसे पैसा लिया जाता है, साफ सफाई के नाम पर फ्री में हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए दे दिया जाता है। मतलब वहाँ सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में ये पूरा रिकॉर्डिंग हुआ? जी बिल्कुल, वो सरकारी कर्मचारी DCLR साहब और उनके सरकारी मुलाजिमों के द्वारा वो वीडियो बनाया गया है। वो सरकारी वीडियो है, ना कि हमारे तरफ से कोई वीडियो बनाया गया है। वीडियो मुहैया करवाइएगा एकदम, आप कहिएगा तो हम आपके चैनल को वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आप पे जो आरोप उन्होंने लगाया है, चाहे वो चैनल वाले लगा दिखाए हैं या फिर अगला जो आत्माचरण जो जिनका नाम है, आत्माचरण नाम है ना जी, तो वो किस आधार पे लगाएंगे आरोप? आत्माचरण तो एक पागल आदमी है, वो अपना परिवार नहीं संभाल सकता है तो वो समाज को क्या संभालेंगे। आत्माचरण का काम ही है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का आदमी है वो, और इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी आप पर भी लिख देगा, जिस पर मन करेगा उस पर लिख देगा। उसका काम ही यही है, कोई काम नहीं है। और ये जो भी आरोप आत्माचरण लगाए हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं अगर कि हम पैसा लिए या हम कब्जा करके रखे हुए हैं या हमसे पहले के मुखिया धर्मेंद्र मुखिया जो थे वो कब्जा करके रखे हुए हैं, तो धर्म आपको बता दें कि धर्मेंद्र मुखिया को भी ब्लॉक के द्वारा ही मिला था, हमको भी ब्लॉक के द्वारा ही मिला था। और वो जो आरोप लगा रहा है कि 15,000 से 20,000 रुपया लेने का जो आरोप लगा रहा है कि धर्मेंद्र भी लेता था, नीलेश भी लेता है, तो आपको हम वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें ग्रामीणों ने ये स्वीकार किया है। ग्रामीणों ने ये कहा है कि 1 रुपया भी हम लोग उसे नहीं लेते हैं, साफ सफाई के नाम पर हम लोग को दे देते हैं, हम लोग गरीबों को मदद करते हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद क्या आपका एक्शन होगा? देखिए, हमको तो पता भी नहीं था, हम एबी न्यूज के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उसके बाद हमको पता चला। मैं तो सबसे पहले तो एबी न्यूज पर ये खबर चलाने के लिए, क्योंकि ना ही कोई FIR हुआ है अभी तक और ना ही कोई जांच हुई है इस प्रकरण में, और उन्होंने जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पर
इस तरह का वीडियो चलाया तो मैं एबी न्यूज पर और एबी न्यूज के रिपोर्टर सुधाकर कुमार पर सबसे पहले तो सोमवार को मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, मानहानि का मुकदमा करूंगा कि ये हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अगर FIR नहीं होती, अगर कोई जांच नहीं होती है तो ये न्यूज चैनल अपने से जांचकर्ता नहीं बन जाएंगे। अगर FIR है तो FIR दिखाएं, FIR नहीं हुई है अभी तक, और बिना FIR हुए बिना जांच हुए ये जो चला रहे हैं किसी कहने पर पैसा ले करके, और ये हमको तो नहीं लगता कि एबी न्यूज जो है निष्पक्ष काम कर रही है। एबी न्यूज तो जिस हिसाब से एबी न्यूज के रिपोर्टर पूछ रहे हैं हमको तो लगता है वो दलाली कर रहे हैं। अगर बद्री शाह और आत्माचरण के पास किसी तरह कोई एविडेंस है, अगर हम धमकी दिए तो अगर फोन से दिए तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, जाके दिए तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, कोई साक्ष्य होगा वो प्रस्तुत करें। ऐसे ही किसी पे लिख करके आरोप लगा देना कि उन्होंने हमको धमकी दिया है हो जाएगा, और ये मीडिया जो है तो मीडिया जो है उनका साथ दे रही है किसी के कहने पर किसी के बहकावे पर। मैं इन तीनों पर पहले तो मीडिया पर, उसके बाद से जो है आत्माचरण पर, और उसके बाद से बद्री प्रसाद जिन्होंने हम पर गंभीर आरोप लगाया कि हमें जान से मारने की धमकी दी है, तीनों पर हम केस करेंगे, तीनों को कोर्ट में खड़ा करेंगे।